अब भाजपा बिहार के लोगों को झोला बांटकर ये बताएगी कि उनके घरों तक जो अनाज पहुंच रहा है वो असल में मोदी सरकार की देन है। प्रदेश कार्यालय से विधिवत सूचना, इस अभियान में आज 150 लाभुकों को झोला में 5-5 किलो अनाज भरकर और साड़ी दिया गया। अब सभी जिला एवं मंडलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे और लाभुकों को झोला दिया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक कार्यक्रम आयोजित कर झोला वितरण करेंगे। झोला पर पीएम मोदी की तस्वीर, भाजपा का कमल निशान, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना छापा है। पीएम के साथ ही क्षेत्रवार सांसद व विधायक की तस्वीर भी इस पर छपी होगी। भाजपा के कार्यकर्ता पीडीएस दुकानदारों में पहुंचकर भी लाभुकों को यह झोला वितरित करेंगे। भाजपा इस प्रचार अभियान की शुरुआत देश स्तर पर आज से कर रही है। बिहार में पटना सहित 4 जिलों में आज के दिन ये प्रचार अभियान शुरू हुआ। बाकी जिलों में 17 से 23 अगस्त के बीच अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश कार्यालय की शुरुआत पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ हुई। पूरा कार्यालय भगवा रंग में सजा दिखा। पार्टी की महिला कार्यकर्ता भगवा रंग की साड़ियों में दिखी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज पटना स्थित भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत थैला शुभारम्भ तथा बड़ी संख्या में निर्धन महिलाओं के बीच अन्न का वितरण गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी ने किया। जिन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व दिया, ऐसे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें हम अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। मित्रों, कोरोना के संक्रमण के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियां बदली और उसके कारण कहीं कहीं आर्थिक ढांचा ठहरा, पूरे देश की आर्थिक परिस्थिति कहीं कहीं ठहर गई और ऐसे संकट के घड़ी में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दो योजनाओं को पूरे देश के लोगों के नाम समर्पित किया। पूरे देश के तमाम लोगों को जो 18 वर्ष या इससे ऊपर से अधिक है उनका निःशुल्क कोविड का टीकाकरण उन्होंने टीकाकरण देने का काम किया। यह देश के लिए पूरी बड़ी उपलब्धि रही और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा पूरे भारत बस पूरा यह भारत ही है जहाँ पूरे विश्व में दूसरे देश से अभी टीका पर शोध ही कर रहे थे लेकिन भारत में टीका तैयार करके सिर्फ देश के लोगों को ही नहीं नीति करने के लिए आज भारत में अपनी सरकार नहीं चला रही है बल्कि हमारी जो प्रतिबद्धता है हमने जो देश के लोगों से वादा किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के साथ जो वचनबद्धता की है वो निभाना जानते हैं और उसी का यह परिणाम है आज प्रत्येक गरीब परिवार के बीच बीच में इस यह योजना पहुंच रही है और इन्हीं संसदों के साथ हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री के रूप में एक प्रतिनिधि के तौर पर आज आप हमारे बीच उपस्थित है यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। अन्न देना और हमारी बहनों के लिए सबसे बड़ा ये सौभाग्य का दिन है कि हम सभी लोग उनसे गर्वित होते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे बाल बच्चों को चूल्हा तक चिंता की कि हमारा कोई बाल बच्चा वहाँ हमारी सपना ही था तो पंडित दीनदयाल जी का सपना था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि हम सभी लोग जो पीछे बैठा हुआ जिसके पैर में दबाए फटे उसकी सेवा करेंगे तब जाके हम सभी को भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हमारे भारत सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से आप देखी होंगी कि हम सभी गरीब कल्याण योजना के तहत चाहे वो घर घर में बिजली हो चाहे वो घर घर में शौचालय हो या घर घर में जो है पानी की व्यवस्था हो चाहे घर में हमारे पास चूल्हा नहीं हम सब दम्मे की बीमारी के शिकार होते थे
इसलिए हमें गैस चूल्हा का हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो अटल जी की आज पुण्यतिथि पर याद आता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं राय नहीं मानूंगा, काल के कपाल में हम लिखेंगे मिटाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी हमारे पास हस्ती आ गई। पिछले बार भी कोरोना काल में जो उन्होंने अन्न देके हमारे कोई एक बच्चा भूखे ना मरे, उसको सरकार के द्वारा बिहार सरकार और सभी सरकारें अपने अपने लोगों को पैसा देना, लेकिन अन्न का जो भंडार जो कहते हैं कि जो सेवा करना, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बिपाए फटे पैर में, जिन्होंने कभी सपना तक नहीं सोचा था कि हमारे घर में मुफ्त अनाज आएगा, पहले हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। और यही बात के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।